नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं हिमलता और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। शहर का एनसीसी कैडेट चीन में करेगा देश का प्रतिनिधित्व। राज्य का एकमात्र प्रतिभागी होने का गौरव। 50 मीटर राइफल शूटिंग में पूरे राज्य को सुमित से काफी उम्मीदें। वेतनमान में वृद्धि को लेकर ग्रुप 4 के सुरक्षा कर्मियों ने प्रबंध के खिलाफ हल्ला बोला। सोनारी स्थित मुख्यालय में लगाया ताला। और मानगो में एक घर में 20,000 नगद सहित गहनों पर चोरों ने किया हाथ साफ। थाना प्रभारी ने मामले को बताया संदिग्ध। चोरी की घटना को लेकर भाजपाइयों ने किया उलीडी थाना में प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। कोऑपरेटिव कॉलेज का एनसीसी कैडेट चीन में आयोजित एफ्रो एशियंस गेम्स में भाग लेगा। ये गौरव प्राप्त करने वाला झारखंड का एकमात्र कैडर है। सुमित कुमार को ये मौका उसकी प्रतिभा के बूते हासिल हुआ है। निशानेबाजी के 50 मीटर राइफल शूटिंग में वह देश का प्रतिनिधित्व करेगा। कर्नल आरके सिंह ने बताया कि सुमित के इस उपलब्धि से वे गदगद है और उम्मीद है कि वह हमारा गौरव और बढ़ाएगा। पीछे से हटो। इतना भारी एक मिट्टी। अरे एनसीसी का वो है ड्रिल, वेपन ट्रेनिंग, फील्ड क्राफ्ट। तो एक और एवेन्यू है, एक और रास्ता है बच्चों के लिए कि इसको, इसका फायदा उठा के एक नेशनल लेवल पे अपनी, अपने हुनर का, अपने गेम का प्रदर्शन कर सकें। मौका सबको है, पर जिसमें टैलेंट है वही अपने आप को ऊपर ला पाएगा। मौका उसी को है जो कोशिश करेगा। सुमित कुमार ने किया है, वो उसकी कोशिश काफ़ी अचानक नहीं हुई, पिछले 3 साल की मेहनत है जो अभी रंग ला रही है। और ये 3 साल की मेहनत, और अगर ये मेहनत करता रहा तो नेशनल के इंटरनेशनल सीन में भी उसके प्रेजेंस जो होगी। सर, क्या ये पहली बार एनसीसी कैडेट बाहर गए हैं? नहीं, एनसीसी कैडेट जो है एक तो यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम है एनसीसी का, जिसमें हर साल एनसीसी के कैडेट बाहर जाते हैं और ये एक्सचेंज प्रोग्राम है। एनसीसी जैसी संस्थाएं बाहर के देशों में तकरीबन 100 से ऊपर देश हैं जिनमें ये एनसीसी जैसी संस्थाएं हैं, और उनके कैडेट्स हमारे पास आते हैं, हमारे कैडेट उनके पास जाते हैं, हम वहाँ पे जाके उनके कैंप अटेंड करते हैं, वो हमारे कैंप आके अटेंड करते हैं। और बेसिकली इसमें एक सोशोलॉजिकल, एक रहन सहन, एक शिक्षा का तरीका, एक दूसरे के बारे में जानने का एक माध्यम है। झारखंड से पहली बार ये कैडेट बाहर गए, वो इसलिए, सिर्फ इसलिए कि अभी पहले भी गए होंगे, पर वो बिहार का अभी भी डायरेक्टर तो एक ही है, बिहार एंड झारखंड। इस रीजन से जब से झारखंड के अलग से हम गिनती करनी शुरू की है तब से ये पहला लड़का है। उससे पहले भी जा चुके हैं पर वो बिहार की गिनती में गए हैं। अच्छी बात है, झारखंड को अभी अपनी प्रेजेंस जो है वो दिखानी चाहिए, और कैडेट्स की काबिलियत में कोई कमी नहीं है। कमी जो होती है वो मौके की है, और एनसीसी जो है एक और माध्यम है मौका देने के लिए, बच्चे बाहर जाएं और अपना प्रदर्शन करें। ग्रुप 4 के सुरक्षाकर्मी वेतनमान एवं अन्य सुविधाओं की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना पर चले गए हैं। उन्होंने मंगलवार को सोनारी स्थित हेड ऑफिस में ताला मार दिया। ग्रुप 4 के सुरक्षाकर्मियों ने आर पार की लड़ाई का ऐलान करते हुए अपने प्रबंधन के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना आरंभ कर दिया है। मंगलवार को उन्होंने सोनारी स्थित हेड ऑफिस में तालाबंदी कर दी और अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी आरंभ कर दिया है। वे वेतनमान में वृद्धि सहित भत्ता व अन्य सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। उनका नेतृत्व झारखंड प्रदेश सुरक्षा कर्मी संघ के अध्यक्ष रतन सिंह कर रहे हैं। हम लोगों को सुरक्षा कर्मी को अति कुशल की श्रेणी में लाना है। 2011 से झारखंड सरकार का नोटिफिकेशन भी है, लेकिन उसको ये मानने को तैयार नहीं है। और उसके झारखंड नोटिफिकेशन के हिसाब से हम लोग का पेमेंट होना चाहिए 4171 रुपया बेसिक सैलरी, जो कि आज तक ये नहीं दे रही है। और जब भी मांग मांगा जाता है यहाँ का जो स्थानीय प्रबंधन है
अभी जैसे हम लोग कोई भी प्रोग्राम करते हैं, चाहे जब भी ऑफिस में कोई धरना प्रदर्शन के लिए बुलाया जाता है लड़कों को, तो असाइनमेंट में फोन करके अपने स्टाफ को भेज के धमकी देता है कि जो भी इसमें भाग लीजिएगा उसको बोरा बिस्तर बांध के घर भेज देंगे। मतलब इसको क्या बोलिए, जो अंग्रेजों से भी बदतर हाल है हम लोग का यहाँ पे शोषण का। आज आप लोगों ने क्या किया है? आज हम लोग का जैसे हम यहाँ पे बैठे हैं तो ब्रांच मैनेजर जो हमारा अजय गुप्ता है, वो सुबह आया, सारे लड़कों का फोटो खींचा है और फोटो खींच के इसका यही दे रहा था कि सारे चेहरा को पहचानो और इसको भविष्य में 6 महीना 2 महीना बाद इस सारे को प्रताड़ित करो ताकि कोई आवाज नहीं उठाए। और सबसे बड़ी बताए ना, आज एक सप्ताह से घूम घूम के हर एक असाइनमेंट में कि जो भी लड़का मतलब इस धरना में भाग लेगा सबको टर्मिनेट कर देंगे, सबको नौकरी से निकाल देंगे। मतलब बदतर स्थिति बना के रखा है गार्ड मेरा, हम कमा के देते हैं इस पर ये ब्रांच ऑफिस। यहाँ आने के लिए हमको बोला जाता है आप जूता पहन के आओ, आई कार्ड लेके आओ, एंट्री करो। मतलब यहाँ पे कुत्तों जैसा व्यवहार हम लोग के साथ हो रहा है। हम लोग यही चाह रहे हैं कि इस पर प्रबंधन का आरडी आए और ये जो सारी सबसे हम लोग का जो मूल वेतन है जिसको ये लोग सरकार का नोटिफिकेशन है 2011 का, उसको ये लोग मानने को तैयार नहीं है। पहला मेरा मांग यही है इसको लागू करें। मानगो डिमना रोड न्यूज सुभाष कॉलोनी में बीती रात सुनील कुमार वाजपेयी के आवास पर चोरी हो गई। भुक्तभोगी गृह स्वामी ने बताया कि 20,000 कैश के अलावा कुछ आभूषण भी चोरी चले गए। तो बेटा फोटो क्लिक करेगा। सुबह न्यू सुभाष कॉलोनी 1 नंबर रोड। क्या घटना, क्या था घटना के बारे में? चोरी हुआ। कैसे, थोड़ा जानकारी दीजिए ना। रात में हम लोग ताला बंद करके सो गए हैं, उसके बाद सोए हुए थे, सुबह 4:30 बजे नींद खुला तो देखा घर में सब बिखरा हुआ, सामान चोरी हुआ। कितने का सामान, क्या क्या कर लीजिए? दो तो चैन है, 3 अंगूठी है और पायल है और 20,000 रुपए का नगद हमारा। उलीडी थाना प्रभारी संजीव कुमार मिश्रा ने कहा कि चोरी की घटना में संदेह है। उन्होंने कहा कि ना ताले टूटे हैं ना सेंध लगाई गई है, इसके अलावा घर में कुत्ते भी है मगर उसने नहीं भौंका। उनके घर में रात में चोरों के द्वारा कुछ जेवर और 18,000-20,000 रुपये की चोरी की गई है। इस घटना के बाद हम लोग घटनास्थल पर जब पहुंचे तो वहां निरीक्षण के दौरान हम लोगों ने देखा कि जिस घर में चोरी की बात बताई जा रही है उस घर में वादी के अलावा और 5-6 लोग सोए हुए थे और कमरे का घर का ताला, मुख्य दरवाजे का ताला भीतर से बंद था, कोई भी ताला टूटा हुआ नहीं है। और कोई भी ताला टूटा हुआ नहीं, ताला जैसा वो बताया कि ताला खुला हुआ है। घर के भीतर एक कुत्ता भी है, कुत्ता भी नहीं भौंक रहा है और न इस चोरी की के बारे में घर के किसी सदस्यों को पता है। छत का भी आने का जो दरवाज़ा है भीतर से बंद है। इस प्रकार ये घटना रहस्यपूर्ण है और इस पर काफ़ी हम लोग गहराई से छानबीन करने का प्रयास कर रहे हैं कि वास्तव में ये कैसे संभव हो पाया कि जब घर का सारा दरवाज़ा भीतर से बंद है और बाहर से उसमें प्रवेश करने का और कोई रास्ता नहीं है और घर के सदस्य भीतर सोए हुए हैं, वो भी 5-6 की तादाद में, एक कुत्ता भी अंदर में है और इसके बावजूद ताला बता रहे हैं जैसा कि वादी की ताला खुला हुआ था, एक भी ताला टूटा नहीं है पूरे घर का। इस प्रकार ये घटना रहस्यपूर्ण है। जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज में चल रहे NCC कैंप के अंतिम दिन राइफल से ट्रेनिंग दी गई। कैंप में 500 कैडेटों ने भाग लिया। कैडेटों ने B और C रैंक के लिए परीक्षा में भी भाग लिया। पहली बार राइफल की ट्रेनिंग लेकर कैडेट काफी उत्साहित भी नजर आए। ट्रेनर SM गोरंग ने बताया कि कैडेटों ने उत्साह पूर्वक ट्रेनिंग में भाग लिया है। ये जो कैंप अभी कोऑपरेटिव कॉलेज में जो चल रहा है ये 37 झारखंड बटालियन NCC द्वारा चला रहा है। ये 27वां कैंप है इस वर्ष का, झारखंड और बिहार एंड झारखंड डायरेक्टेड के अंतर्गत। इसमें 500 बच्चों ने भाग लिया, जिसमें से 100 गर्ल्स और बाकी 400 बॉयज़ थे। और इसी दौरान में सी सर्टिफिकेट का ये आयोजन किया गया
ये 11 और 12 फेबर में थे और 16 तारीख को बी सर्टिफिकेट का। सी सर्टिफिकेट में 254 बच्चों ने एग्ज़ाम दिए और क्या बोलते हैं बी सर्टिफिकेट में 17 बच्चों। दूसरी ओर क्षेत्र में बढ़ रही चोरी की घटनाओं को देखते हुए भाजपाइयों ने उलीडी थाना का घेराव व प्रदर्शन किया। उनका नेतृत्व कर रहे विकास सिंह ने कहा कि पुलिस निष्क्रिय हो चुकी है जिसका फायदा चोर उचक्के उठा रहे हैं। सुभाष कॉलोनी में एक लंबी चोरी बड़ी चोरी की घटना घटी है जिसके विरोध में आज बस्ती वासियों के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हम लोग थाना में आए हैं। थाना में लगातार सुबह 5 बजे फोन करने में थानेदार ने किसी प्रकार की सुनवाई नहीं ली, वो कान में जेल डाल के सोए हुए थे, इसीलिए हम लोग थाने पहुंचे। जब थानेदार आए तो हम लोग थाने में घुसने से उन्हें रोके कि नहीं अब थाना हम लोग चलाएंगे, आपसे ये थाना नहीं चलेगा, आपके हाथों में पूरा उलीडी थाना से सुरक्षित नहीं है, इसके प्रतिशोध में आज आए थे। लेकिन बड़ा बाबू का चूंकि तबादला हो गया, अखबार के माध्यम से हम लोग को जानकारी मिली है, अब नया बड़ा बाबू के साथ मिलकर इस चोरी की घटना में विराम लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी सड़क पर उतरने का काम करेगी। झारखंड विकास मोर्चा द्वारा 4 मार्च को काला दिवस मनाने की घोषणा की गई है। मंगलवार को आयोजित संवाददाता सम्मेलन में फिरोज खान ने कहा कि ट्रैफिक समस्या से निपटने के लिए कई बार फ्लाईओवर की घोषणा की गई, मगर सिर्फ घोषणा ही बनकर रह गई है। सभी मोहल्लों में प्राथमिक विद्यालय की स्थापना, शिक्षकों की बहाली एवं स्थानीय साक्षर युवकों को शिक्षक बनने का मौका दिए जाने की मांग को लेकर जिला आसू द्वारा मंगलवार को प्रखंडवार धरना प्रदर्शन किया गया। उनका नेतृत्व कर रहे प्रणव मजुमदार ने कहा, पूरा प्रदेश में प्रखंड मुख्यालय में हल्ला बोल कार्यक्रम का आयोजन किया है। ये अपना अधिकार के लिए हम लोग हल्ला बोल कार्यक्रम का आयोजन किया है। हम लोग को जनता को बहुत सारे अधिकार से वंचित किया जाता है, जो हम लोग जनता का अधिकार है उससे भी वंचित किया जाता है। इसी सारे मांग को लेकर के आज हम लोग प्रखंड मुख्यालय में पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग 25 तारीख को डीसी मुख्यालय में धरना प्रदर्शन करेंगे। मैट्रिक और इंटर परीक्षा 21 फरवरी से है और प्रश्न पत्र शहर पहुंच गए हैं जिन्हें विभिन्न केंद्रों तक पहुंचाया जाएगा। मैट्रिक और इंटर परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र शहर पहुंच चुके हैं। मंगलवार को भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रश्न पत्रों का खेप बिष्टुपुर मुख्य डाकघर पहुँचा, जहाँ से विभिन्न सेंटरों के लिए भेजा जाएगा। प्रश्न पत्र की सुरक्षा के लिए पुलिस जवान तैनात है। बैंक में सुरक्षित रखने के लिए भेजा जा रहा है। कितने आए हैं टोटल? कितने आए मतलब मैंने कहाँ कहाँ जा रही हैं? ये अभी बैंक में जाएगी पटमदा में से, पटमदा के लिए हम आए। कब से शुरू है परीक्षा? परीक्षा 21 तारीख से शुरू होंगे। हाँ सर, 21 निजी कंपनियों के चलते डाक सेवा को लोग बैक डेटेड मानने लगे हैं, मगर खुद को प्रतिस्पर्धा में बनाए रखने के लिए अब डाकघर भी हाईटेक हो गए हैं। लोग सरकारी डाक सेवा से ज्यादा निजी कंपनियों पर भरोसा करने लगे हैं, चाहे कुरियर या फिर मामूली डाक भेजने की बात करें। हालांकि बिष्टुपुर मुख्य डाकघर के पोस्ट मास्टर RD शर्मा का कहना है कि हमारी सेवा निजी कंपनियों से कमतर नहीं है, मगर कुछ लोग पता और पिन कोड गलत लिख देते हैं जिससे डाक गंतव्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। उन्होंने कहा कि 2 दिन स्ट्राइक होने के कारण कई काम पेंडिंग थे जिन्हें निपटा लिया गया है। यही अपील करना चाहेंगे जनता से कि जब वो अपना एड्रेस लिखते हैं तो उसमें सही सही पूरा पता लिखें, जैसे कि नाम है, गली मोहल्ला, रोड नंबर, उसके बाद पोस्ट ऑफिस का नाम, उसके बाद ज़िले का नाम, उसके बाद जो है उसका पिन कोड जरूर लिखें, साथ ही साथ वो प्रदेश भी लिखें, ताकि जो है वो चिट्ठी जब आगे अपना रास्ता तय करती है तो सही सही पता होने से सही सही जो जल्दी पहुँचे, यही हमारा उद्देश्य है। इसके लिए हमने प्रचार भी किया है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चाहेंगे कि पिन कोड और सही पता लिखें, ताकि चिट्ठियाँ सही पते पर जल्द से जल्द कम समय। जिला राष्ट्रीय जनता दल में दरार उत्पन्न हो गई है और ये दरार मंगलवार को उस समय स्पष्ट नजर आई जब उपायुक्त कार्यालय के सामने 2 गुटों में बंटकर प्रदर्शन किया गया एवं धरना दिया गया। एक गुट का नेतृत्व अंबिका बनर्जी कर रहे थे जबकि एक का नेतृत्व मंजू शाह कर रही थी। अपनी 11 सूत्री मांग पत्र में वृद्धा एवं विकलांगों को पेंशन, लंबित छात्रवृत्ति का भुगतान, गरीबों के लिए आवास की सुविधा, BPL परिवारों को अनाज देने आदि मांगे प्रमुख है। अंबिका बनर्जी ने कहा, सभी जिला मुख्यालय में इस कार्यक्रम को आज के 1 दिवसीय धरना दिया जा रहा, जिसका तहत जिला अध्यक्ष को ये आदेश आया
कि वो आप एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम करें जिसके तहत ये धरना हो रहा है और ये हम सब एक हैं, कोई अलग नहीं है, सब अपना राष्ट्रीय जनता दल के सब परिवार ना, इस तरह से कोई बात नहीं, हमारा पास तो नहीं, हम प्रदेश अध्यक्ष का बात को फॉलोअप करते हैं, उनका निर्देश को मैं पालता हूँ। दो पार्ट नहीं दिख रहा? नहीं, दो पार्ट नहीं, हमारे लिए सब परिवार एक। नगर अध्यक्ष को छोड़ के मैं कह रही हूँ, कुछ जिनका पार्टी से लेना देना नहीं था, कल तक वो पार्टी में नहीं थे, वो अचानक जैसे पार्टी सत्तारूढ़ हुई तो उसका फायदा लेने के लिए कुछ अवांछित तत्व आ गए हैं और वैसे लोग हमारे लोगों को भी गुमराह। कौन है जो नाम के सामने आ सकता है ना, कौन लोग है जो पार्टी के अंदर से बिल्कुल, और वैसे लोगों को प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष को हम लोगों ने लिख करके दिया है बकायदे, और वैसे चाहे हमारी पार्टी में भी वरिष्ठ भी कितने भी वरिष्ठ अगर उस तरह के लोग हैं जो पार्टी के अनुशासन को नुकसान पहुँचा रहे हैं, तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने निर्देश दिया है कि वैसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। खड़ंगा झाड़ में स्थित बस्तियों में कचड़े का अंबार और साफ सफाई की मांग को लेकर भाजपा ने मंगलवार को उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। उनकी प्रमुख मांगों में नालों की सफाई और बस्तियों से कचड़ों का निष्पादन प्रमुख है। उनका नेतृत्व धनुर्धर त्रिपाठी कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। हमारे क्षेत्र में जो है कचरा का अंबार पड़ा हुआ है, दो दिन जो बारिश हुई है उसमें और उसका विभत्स स्थिति हो गई है। हम लोग मांग करने आए कि आदरणीय उपायुक्त महोदय हमारे बस्तियों में आए और फिजिकली देखे कि हमारे यहाँ क्या स्थिति है। 30 वर्षों से कचरा निष्पादन का कोई व्यवस्था उस बड़ी बस्ती में नहीं हुई है, वहाँ 8 उप बस्तियाँ है खड़ंगा झाड़ क्षेत्र में, और हम लोग ये मांग को लेकर के हैं कि वहाँ का अस्थायी निष्पादन कचरा का करने के लिए वो व्यवस्था करे और नालियों की सफाई करे। झारखण्ड पीपल्स पार्टी के प्रमुख सूर्य सिंह बेसरा ने RTI के तहत विधायक मेनका सरदार, राज्यसभा सांसद प्रदीप कुमार बालमुचू, विधायक रामदास सोरेन द्वारा अपने क्षेत्रों में खर्च किए गए प्राकलन राशि का ब्यौरा मंगाया है। उन्होंने संवाददाता सम्मेलन बुलाकर कहा कि राशि में भारी हेरफेर हुई है और वे इसकी जांच निगरानी विभाग से करवाएंगे। शौचालय से लेकर सचिवालय तक भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है, और संतरी से लेकर मंत्री तक जो है ना भ्रष्टाचार में सब संलिप्त हैं। ये जग जाहिर हो चुका है कि झारखंड के विधायक बिकाव हैं, और ये स्टिंग ऑपरेशन में पता चला आज भी नॉट ओनली सीता सोरेन का बल्कि जितने भी राज्यसभा का वोट चाहे 2008 हो, 2010 हो, 2010 हो, चाहे KD सिंह का हो, चाहे RK अग्रवाल का हो, चाहे आपका जो है परिमल नाथवानी का है, थोक भाव में बाहर से थैलीशाही आते हैं और थोक भाव में विधायक बिकते हैं। लेकिन हमने कहा कि भाई वो तो बिकते हैं, जग जाहिर हो गया, लेकिन MLA MP फंड का क्या 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 स्थिति है जरा जांच किया जाए। हम लोगों ने सूचना के अधिकार 2005 के तहत जिला में हम लोगों ने मांगा, क्योंकि जितना भी MLA फंड आता है, MP फंड आता है, वो जिला से इसका निकासी होता है, आवंटन होता है। तो हम लोग 2000 से हम लोग जांच किए, मैंने मांगा, तो जो रिपोर्ट आया है ये रिपोर्ट बड़ा आश्चर्यचकित हो जाएंगे कोई भी देखकर। अगर मान लिया जाए कि ये एस्टिमेट बना था 2000 में, 2000 और 2001 का वित्तीय वर्ष एक साल का होता है, 2000 और 2001 का, तो माना कि उदाहरण के लिए यहाँ पर 3 लाख का एक छोटा स्कीम हुआ, तो 3 लाख का जो प्राकलित राशि है और एक साल के बाद वो संपूर्ण काम पूरा होने तक उसका संपूर्ण रुपया बता रहा है कि 3 लाख खत्म हुआ। तो एक साल के अंदर में मजदूरी बढ़ता है, साल में 2 बार मजदूरी बढ़ता है, झारखंड सरकार भारत सरकार का हर 6 महीना में न्यूनतम मजदूरी बढ़ता है। लेकिन ये आप मान लिया जाए एक साल पहले अगर एस्टिमेट बना हो और एक साल बाद अगर वो कंप्लीट होता हो, कोई स्कीम कंप्लीट होता हो, तो उस परिस्थिति में आप 3 लाख का 3 लाख खर्चा कैसे हो। अभी हम लोगों ने देखा कि इसमें विधायक लोगों को, जो कि बिल्कुल ये जांच का विषय है, 10% विधायक लोगों का विधायक फंड से फिक्स है। मान लिया जाए 5 करोड़ एक साल में आता है, तो 5 करोड़ अगर एक साल में आता है, 10% आपका जो है ना बता लीजिए आप 50 लाख रुपया हो गया एक साल में। तो ऐसे ही जो है ना एकदम MLA 50 लाख रुपया, 5 करोड़ का 50 लाख रुपया उनका थोक रखा हुआ। अब झारखंड पीपुल्स पार्टी भ्रष्टाचार उन्मूलन की दिशा में हम लोग इसको एकदम आह्वान करेंगे और जनता को जागरूक करेंगे। द मिलानी के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। Thank you.
स्वामी विवेकानंद जी का जन्म जयंती समारोह के उपलक्ष्य में 150 साल रेड क्रॉस भी अपना जन्मदिन मना रहा है इसी साल, और 100 साल मिलोनी का इस जहां पर ही हम लोग ये रक्तदान शिविर का आयोजन किए हैं, इस मिलोनी हॉल का भी 100 साल अब हो चुका है पूरा, उस तीनों के उपलक्ष्य में आज ये रक्तदान शिविर लगाया गया है जिसको हमने मेगा रक्तदान शिविर का नाम दिया है। कितने लोग यहाँ पे आज? तो लगभग 250 तो एकदम आएंगे ही, होना ही है 250 का, क्योंकि 250 का पहले से हमारे यहाँ पंजीकरण हो चुका है और उम्मीद है कि और उससे अधिक हम लोग इसको कर पाए। करीम सिटी कॉलेज में मंगलवार को सेव अर्थ के तहत एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया जिसमें बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने भाग लिया। एक दिवसीय प्रदर्शनी में छात्र छात्राओं को पर्यावरण के प्रति सचेत व जागरूक करने का प्रयास किया गया। पृथ्वी में किसी तरह की तबाही आती है, किसी तरह का लॉस होता है, जैसे पूरी दुनिया इस बात पे चिंतित है कि हमारी जो ज़मीन है वो पोल्यूशन के द्वारा या किसी भी फ्लड के द्वारा या किसी भी नेचुरल कालामिटी के द्वारा या मानव द्वारा जो है बर्बाद हो रही है, चाहे वो बहुत ज़्यादा औद्योगिकरण हो या बहुत ज़्यादा अर्बनाइजेशन हो या बहुत ज़्यादा वनों के काटे जाने से हो। तो हमारा पर्पस है, सेव अर्थ का नाम हमने दिया है। सेव अर्थ का मतलब है पृथ्वी की रक्षा हम कैसे करें। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होने से और बहुत ज़्यादा CFC गैसेस के जमाव से जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है उसके कारण जो है पूरी पृथ्वी पे तरह तरह की समस्याएं पैदा हो रही हैं। इसलिए पृथ्वी की रक्षा के खातिर बच्चों ने, भूगोल के इंटर और ऑनर्स के बच्चों ने बड़ी मेहनत से अलग अलग मॉडल्स के द्वारा, किसी ने फ्लड से हम कैसे बचें। गायत्री परिवार की ओर से कदमा गणेश पूजा मैदान में आयोजित हवन सा कलश यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु महिलाओं ने भाग लिया। कल महायज्ञ का अंतिम दिन है। नमः नमः ओम सचिव धाम नमः। राष्ट्रीय जागरण नव कुंडी गायत्री महायज्ञ कर रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य है जागृत कैसे हम करें। राष्ट्र को जागृत करने का जो सबसे बड़ा सूत्र हमारे गुरुदेव ने बताया है वो है कि विचार क्रांति। जब तक विचारों में लोगों का परिवर्तन नहीं होगा तब तक ये जो है नैतिकता लोगों में जब तक नहीं आएगा तब तक जो है समाज का सुधार नहीं हो सकता, राष्ट्र का सुधार नहीं हो सकता। जुबली पार्क में सिख सेवा दल की एक बैठक संपन्न हुई जिसमें रंजीत सिंह को अध्यक्ष बनाया गया। बैठक में दल द्वारा भविष्य में किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई। आज सिख सेवा दल की एक बैठक हम लोग रखे हुए हैं यहाँ पर, जिसमें हमारे तमाम जितने भी मेंबर हैं सब यहाँ एकत्रित हैं और हम सब मेंबरों ने मिलकर जो है पिछले 13 तारीख को रंजीत सिंह काकरी जो सुंदरनगर के निवासी है इनको अध्यक्ष के रूप में हमने चयन किया है इनका, ठीक है। और आज एक बैठक रखी गई है कि हमारी कमेटी का विस्तार हो रहा है, ठीक है, और आने वाले समय में जितने भी हमारे जो सामाजिक काम हैं, एक्चुअली हम